इस बार बाबा सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार बनेगी? अब परिवर्तन होगा अच्छा, क्यों? योगी सरकार तो सब कुछ दे रही है ना गरीबों। सरकार, मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत जनता की सुनवाई कर, लेकिन तेरे जो कार्यकर्ता है वे कोई खास सुनवाई नहीं कर, चक्कर में डारे। तो इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यूपी में मुख्यमंत्री होंगे अखिलेश यादव। अच्छा, और महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका? महंगाई का भैया अब बरसा अरसा भाई सवालू बहिरे बरसा मैया, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। कन्नौज में 1,000 रुपया तो बांटे जाते किसान, 2,000 रुपये किसानों को और सरकार तो दे रही है। आ दे रही हमारे बे अटक ही जाते कबों कबों, अब बैठके है बगीदा तो कईयो महीना से नहीं निकल पाए उपज निकाबो में, आधार कार्ड में कमी हुई जाते। अच्छा, और फ्री मुफ्त में राशन भी दे रही है सरकार? राशन सो सब सहयोग ऊपर सरकार कर रही दिल्ली वाली। अच्छा, यूपी तो मान लो जो हिंदू कार्यकर्ता परेशान कराओ। अच्छा, तो इस बार आपके अनुसार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री अकेले तो बने, सबसे बड़ी बात जा रत्ता ना इस गांव के, गांव हमारो जंगल। क्या नाम है आपका? हाथ नीचे तेज बोलो, क्या नाम है आपका? लहूसिरी। अच्छा, इस बार विधानसभा 2022 का चुनाव जो आ रहा है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार बनेगी? मोदी होगी। अच्छा, कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? हमें भैया मोदी होगी अच्छी लगत करो भैया, तुम बताए जो फिर को कर दिया। अच्छा नहीं, हमें उससे नहीं मतलब है, आप बताएं जो भी अच्छा आपको लगता हो तो बताएं। हमें भाई बहनी के लगत है। अच्छा, फिर तुम बता दो, हम तिराई कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ पूछते हैं, जनता की राय लेते हैं कि जनता क्या कह रही है, आप बताइए जो भी अच्छा। अब हम बूढ़े बाड़े हैं लल्ला, हमें तो दिमाग दे तो भैया, हमें बता दो। राजीव, तेज बोलिए थोड़ा, क्या नाम है? राजीव। अच्छा, इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार बनेगी? अब परिवर्तन तो दिखाई दो भाई। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है इस बार? अच्छा, कौन सा मुख्यमंत्री आपको अच्छा लगता है, जैसे योगी आदित्यनाथ, मायावती, अखिलेश यादव, कौन सा अच्छा लगता है? आदित्यनाथ। अच्छा, नहीं आप तो परिवर्तन बता रहे हैं और फिर योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता भाई कही दी भाई। अच्छा, तो बताइए किसकी बनेगी फिर सरकार इस बार? बने योगी। अच्छा, योगी जी को काम के मामले में आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर का हमारे तो फुल नंबर है। अच्छा, फुल नंबर है। बाबा, इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर यही सरकार बनेगी दोबारा? सत्ता में तो परिवर्तन है भाई। अच्छा, क्यों? योगी सरकार तो किसानों को 2,000 रुपये दे रहे हैं और सारी सुविधाएं दे रहे हैं। योगी सरकार जो है लिखा पढ़ी में दे रही है कागजन में, यहाँ तो किसानों को तो कुछ नहीं मिलो ना, हमें मिलो आज तक, मेरे गांव में किसी कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो आप इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार बना देंगे योगी जी की दोबारा आप? योगी जी की तो पहले तो शायद 20-21 साल बाद आई गई थी, अब की बार जीवन में कभी आएगी नहीं। अच्छा, कौन सा मुख्यमंत्री आपको अच्छा लगता है? अखिलेश यादव। अच्छा, तो आप अखिलेश यादव जी की ही सरकार बनाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, योगी जी की नहीं बनाएंगे? योगी जी की जो है जब कुछ आदमी को मिलता नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ है नहीं, तो क्या योगी जी की ऐसी सरकार बनाने की। इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार बनेगी? परिवर्तन क्यों नहीं हुआ भैया, ये जो आई थी सबके संग क्या विरोध, तो सब देश दुनिया जान रही क्या हो रहा है। ये भाई जो बूढ़ पे कि मेरे गांव 5 घर है, सो भी निकलने को परेशान है, कहीं रत्ता नहीं है, कोई कोई घर में कोई सड़क भी नहीं, सुनवाई भी इतनी सरकारें 5 साल में प्रधान ही बदलती, कोई आज भी तलक मेरे दरवाजे में नल भी नहीं है। प्रधान आते हैं उतने टाइम पे आएंगे जब मेरा वोट मेरा पड़ गया, उसके बाद हम नहीं कुछ जानते हैं। जब 4 दिन के लिए अभी इलेक्शन आ गया, बस मेरे द्वारा भी हाजिरी 50 लगाएंगे, उसके बाद में फिर दरवाजे तो भगा देते हैं प्रधान लोग। अच्छा, योगी हाँ। जी तो लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और 2,000 राशन देते हैं, राशन मतलब राशन खाया जाएगा, पानी नहीं पियोगे क्या होगा। अच्छा, आपको मुख्यमंत्री कौन सा अच्छा लगता है? मुख्यमंत्री अखिलेश अच्छे लगते हैं भाई। अच्छा, तो इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की। जी बाबा, इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा या वही फिर सत्ता फिर वही रिपीट करेगी? परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन है खूब। अच्छा, योगी सरकार तो सब कुछ दे रही है लोगों को, राशन दे रही है और योगी दे और भाजपा दे और सपा दे, सब कोई दे, लेकिन कुछ नहीं सत्ता पलटी गई। अच्छा, किसकी बनेगी सरकार? अब किसी की बनेगा, अखिलेश ही बनेगा, मोदी की बने। अच्छा, आप किसकी चाहते हैं सरकार इस बार? हमें तो अखिलेश ही चाहते। अच्छा, और योगी सरकार तो लोगों को किसानों को 2,000 रुपये दे रही है और राशन फ्री दे रही है। 2,000 रुपया दे रही है और 50,000 ले रही है, कहाँ मिलते कहाँ जाते रुपये। अच्छा, कैसे 50,000 ले रही है? गेहूँ का अभाव भी कर, गेहूँ बिच रहा होगा 17-18 रुपये, और डीजल का अभाव भी कर, आदि का अभाव भी कर। जी है जी, 500-50 रुपया डीजल वालों पहुँची को 150 में, अब खादी 5-6 वाली पहुंची गई 15 में जी, का सरकार ने का।
अच्छा सरकार मतलब परिवर्तन करेंगे आप? बिल्कुल, हम तो हमारे करे चुके तुम कर दिए। इस बार माहौल क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में आपको? इस बार माहौल जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा और दूसरा कोई भी हमें पार्टी मुख्यमंत्री पद पर जिम्मेदार नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे पीएम और सीएम ने वो प्रणाली अपनाई जो देश के अंदर कभी भी किसी राजनेता ने नहीं अपनाई। हमारे देश की शोभा के भारतीय जनता पार्टी यानी सीएम और पीएम प्रधानमंत्री जी हैं। इसके अलावा कोई भी पार्टियाँ जितनी पार्टियाँ बनी उन्होंने गुंडागर्दी जात वर्ग और धर्म के नाम की राजनीति की है, इसलिए उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश की जनता मोदी के अलावा किसी को वोट स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन अच्छा लगता है आपको? हमें आदित्यनाथ के अलावा और कोई अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा, योगी जी को काम के मामले में आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अरे फुल 10 में 1 नहीं, पूरा ही नंबर दे रहे हैं उन्हें। अच्छा अच्छा, फुल नंबर 10 में 10। और कुछ बताएं जो योगी आदित्यनाथ की मतलब काम किए हैं, उनके काम बताएं आप, एक दो काम। हम अपने ग्राम पंचायत की ही बात कर रहे हैं जी, जी। हमारे ग्राम पंचायत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। चाहे सपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो या मायावती की सरकार रही हो, हमारे ग्राम पंचायत में जो भी देन है भारतीय जनता पार्टी के ही देन है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के कल्याण सिंह रहे हैं, राजनाथ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं, इनके द्वारा ही हमारे ग्राम पंचायत या में ही सब सुविधाएं मिल रही हैं। फ्री में राशन मिल रहा है, हमारे ग्राम पंचायत में पहले कोई आवास नहीं मिला था, आज 50-60 आवास ग्राम पंचायत में मिले हैं। बिजली ठीक है ना, बिजली मिली है, लेकिन सब व्यवस्थाएं बेहतरीन चल रही हैं। इतनी किसी भी सरकार में हमें कोई सुविधा नहीं दिखाई पड़ी। पब्लिक भय आतंकवाद से त्रस्त थी, वो भयमुक्त हो गई है। जहाँ भी जाओ आज़ाद आप चले जाओ, सही है ना। हर क्षेत्र में ही बीजेपी की सत्ता आगे चल रही है पूरी। हमारे ग्राम पंचायत हमेशा ही भाजपा को ही डील हमेशा किया है, सीएम बने अथवा ना बने, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत हमारे इलाका बने फरुखाबाद के लोगों ने हमेशा ही मेरे भारतीय जनता पार्टी को ही डील किया है। आलू खड़े हो जाए थोड़ा तेज खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। तेज बोलिए, क्या नाम है? अरुण कुमार। अच्छा अच्छा, इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार बनेगी? परिवर्तन जरूरी है ना। अच्छा अच्छा, किसकी सरकार बनेगी? सरकार किसी की भी बने हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि जो पावर में रहता है उसके जो कारनामे वो उजागर नहीं होते हैं। जब कोई नया आता है तो पीछे वाले की जो बुराइयां हैं वो तभी आती हैं, और सत्ता अगर बनी रहेगी तो उसका कौन कहेगा? कोई नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कहेगा। मुख्यमंत्री आपको कौन सा अच्छा लगता है? जैसे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, कौन सा अच्छा लगता है? इससे कमेंट ना कराएं तो ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, आप भावनाएं व्यक्त करें, आपको अधिकार है। क्या करें, भावनाएं, कोई नया चेहरा आना चाहिए ना। अच्छा, और भी कोई नया चेहरा आना चाहिए और क्या? अच्छा, इनसे काबिल है नहीं क्या? कोई नया चेहरा आना चाहिए तो आपके अनुसार किसका चेहरा आना चाहिए, बताइए। इस पे कमेंट नहीं करें क्योंकि इतना राजनीति में रहते नहीं है, तो उसके लिए तो कोई है नहीं। और भी कुछ बताएं थोड़ा बहुत। और क्या बताएं, जो आजकल परियोजनाएं चल रही है फरुखाबाद में, बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, जबकि बीजेपी की यहाँ से सारी सीटें हैं, चाहे वो विधायकी की हों चाहे सांसदी की हों। फिर भी अभी एक हमारा मेन मुद्दा है गंगा एक्सप्रेस वे का। गंगा निकलती है फरुखाबाद से, और जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो बदायूं शाहजहाँपुर होते हुए आगे टच करेगा जाके, ऐसा क्यों? इसका हमें मोदी जी से, योगी जी से या किसी भी सत्ताधारी से इसका जवाब मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो निकलती, गंगा निकलती है फरुखाबाद से, और जो भी प्रॉब्लम होती है गंगा कटान को लेके वो फरुखाबाद में होती है, उससे बदायूं और शाहजहाँपुर का क्या मतलब है? तो इसके रिगार्डिंग हम सभी से यही एक जवाब मांगना चाह रहे हैं कि जब फरुखाबाद की जनता को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो जो लाभ है वो भी फरुखाबाद की ही जनता को मिलना चाहिए। माता जी आपका टीवी क्षेत्र न्यूज़ है ये अपने यहाँ फरुखाबाद। क्या नाम है आपका माता जी? सुमन। बोलिए थोड़ा। सुमन। अच्छा, इस बार 2022 में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें किसकी सरकार बनेगी? वो तो अपना अपना दिल है, वैसे बीजेपी ही बननी चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन सा आपको अच्छा लगता है? योगी। अच्छा, योगी जी को आप काम के मामले में 10 में से कितने नंबर दोगी? योगी को 10 के 10 चाहिए,
2022 में जो विधानसभा चुनाव यूपी के आ रहे हैं, इसमें किसकी सरकार बनेगी? अरे सरकार भाई हमारे अकेले थोड़ा, लेकिन हमारे अनुमान है अपने दिल से चाहते हैं सरकार भाजपा ही बने। भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी नहीं है। जितने टाइम जाए लड़कनी है उतना बेफिक्र जाए आदमी जाए जी रहा पे। आदमी दिन में निकल संकोच कर तो बारह पे रात में चले जाओ जी। उंगरिया उठेगा को हाथ काटो जी। मुख्यमंत्री आपको कौन सा अच्छा लगता है? योगी मुख्यमंत्री योगी बहुत अच्छे काम करे और आगे ही वो चाहिए। जो इस बार विधानसभा 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, इसमें सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार बनेगी? परिवर्तन होने की उम्मीद है। अच्छा अच्छा किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव। अच्छा अच्छा अखिलेश यादव की बनेगी। अच्छा अच्छा तो अखिलेश यादव जी के कोई ऐसे काम बताएं जो उन्होंने किए हों? तो वे काम किए क्या, काम तो सभी करते हैं। अच्छा अच्छा जी, अखिलेश यादव ने क्या काम किए थे सरकार रहते हुए? वो पहले दिखाए रहे जैसे इन्होंने काम किए वैसे वो करते हैं। काम तो एक ही तरह करते हैं। कौन सा मुख्यमंत्री आपको अच्छा लगता है? अखिलेश यादव।